He's also coming in sometime. And Abir is super excited. आज की तैयारी हो गई है? Good morning. कैसे हैं सब लोग? Welcome to another vlog. और हम लोग उठ चुके हैं. सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी सूरी हो रहे हैं स्कूल के लिए रेडी. चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो. सो अभी सूरी इज रेडी. आज अभी के स्कूल में चैरिटी डे है और ये उसी के लिए ड्रेसअप हुआ है. मैं आपको दिखाती हूँ. सो अभी इज ऑल सेट टू गो टू स्कूल. तो बस सुबह अबीर को स्कूल छोड़ दिया था. अब बस मैं अपना काम फिनिश करके उसको वापस स्कूल लेने आई हूँ. आज का दिन बहुत बिजी था काम पर. मेरी बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग्स थी. बस अब मीटिंग्स वगैरह ख़त्म करके मैं उसको पिक करने आई हूँ स्कूल से और घर जाएंगे. तब तक सौरव के आने का टाइम हो जाएगा मैनचेस्टर से. फिर उसको पिक करने जाना है. तो बस अभी फ़िलहाल चलते हैं अबीर को पिक करते हैं और फिर मैं आपको अबीर से मिलाती हूँ. देखते हैं उसका आज स्कूल का दिन कैसा रहा. तो अबीर आ चुका है और पीछे बैठ के बड़े मजे से क्या खा रहे हो बीर? पिज़्ज़ा विद मार्गरिटा. ठीक है अभी काम डाउन. ओके एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड. तो जब भी मैं इसको स्कूल लेने आती हूँ मैं इसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेके आती हूँ. तो आज क्या लेकर आई है मम्मा? पिज़्ज़ा मार्गरिटा. और आज टेस्ट में कितने नंबर आए हैं? 8 out of 10. गुड जॉब. तो हर फ्राइडे को अबीर का स्पेलिंग्स का टेस्ट होता है और आज उसके 8 out of 10 आए हैं क्योंकि एक इसने स्पेलिंग गलत लिखा था और एक स्पेलिंग ये लिखना ही भूल गया था. तो चलो कोई बात नहीं, अच्छे नंबर है. गुड, एक नंबर से तो अच्छे ही है. अबीर मुझे कुछ बता रहा था तो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. अबीर व्हाट डिड यू से? क्या कहते हैं 1 को हिंदी में एक. और 5 को 5. क्या बात है अबीर, आई एम इम्प्रेस्ड. बस मुझे हेयर कलर ड्रॉप करना था अपनी फ्रेंड के घर पे. मैंने उसका हेयर कलर बोरो कर रखा था. तो ये नहीं मेरी फ्रेंड, इनको तो आप जानते होंगे, अब तो बहुत सारे व्लॉग्स में आ चुके हो आप. तो बस स्वाति को मैं हेयर कलर ड्रॉप करने आई थी. ठीक है, तो कल जा रहे हो बर्मिंघम, हैव फन. ठीक है, फिर मिलते हैं. बाय. तो बस अबीर और मैं घर आ गए हैं. अबीर ने शावर ले लिया है और मैं उसके लिए बनाने लगी रोटी. तो मैं गूंथ रही हूँ आटा और उसके लिए बनाऊंगी नमक और अजवाइन का परांठा. और सौरभ का भी फ़ोन आया था. अभी 6:30 हो रहे हैं तो वो पहुंचेगा कुछ 8:30 बजे. उसकी ट्रेन आएगी 8:30 बजे तो आते आते उसको 15-20 मिनट लग जाएंगे. तो आ जाएगा 9 बजे से पहले पहले घर पर. अच्छा है अबीर सौरभ से मिल लेगा सोने से पहले. मैं बनाती हूँ रोटी फटाफट से. अभी थी अबीर का परांठा तैयार हो गया. क्या कर रहे हो अभी? So it's a Play-Doh, right? So what are you going to do? And we got some scissors for doing haircut and a comb. So you've got scissor and hairbrush, right? So, I'm just gonna clean it. अब दिखा दो सबको कर क्या रहे हो. I'm gonna put it inside him. ये Play-Doh को ना इसके अंदर डालेगा. Then we will see what will happen. See? Now I put it in. I am gonna put this inside it. It's very hard. Okay, I will help you. Abhi, what message you want to give? Set up vlog. देखो तो ऐसे भी अपना ही व्लॉग देख रहे हैं. That's fine. तो मैं और अभी खा रहे हैं पाइनएप्पल. अभी डू यू लाइक पाइनएप्पल? स्वीट. और मैं खा रही हूँ
पाइनएप्पल के ऊपर चाट मसाला डालकर. अभी शैल आई पुट ऑन योर पाइनएप्पल आल्सो. अभी को बहुत वियर्ड लगता है कि मैं ऐसे कैसे खा सकती हूँ. आप लोग भी फ्रूट्स खाया करो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट फ्रूट्स. हम लोग मुझे और अभीर को फ्रूट्स बहुत पसंद है. यू फिनिश योर पाइनएप्पल ओके बिकॉज डैडी इज ऑल्सो कमिंग इन सम टाइम. सो कोई आ चुका है and Abir is super excited. Abir, wait. Are you gonna break the door? Oh, calm down. He's gonna pull me in. Abir. Oh, I missed you. I miss mommy as well. I want to see Abir's reaction. Oh. Shall we come down now? Yeah, he got 8 out of 10. Really? And do you know, only one spelling was wrong. That was multiple. And his one number which cut is, that's why he cut it. That he forgot to write bottle. So, 9 out of 10. You deserve a hug. You know to write what? Bottle. Bottle. No. Do two times. Oh, yeah, I forgot. What? Bottle. Bottle. Exactly. Done. So otherwise, इसके 9 out of 10 होते. Intelligent boy. Oh yeah. I'm proud of you. But 9. If I go multiple right or if I did a bottle, yeah. I got to go 9 out of 10. If I did two bottles on right, who got the highest? I don't know. Okay, who got less than you? एक मिनट क्यों? वो पता होगा इसको. Who got less than you? No, that's good. You should just concentrate. Yeah, exactly. You should concentrate on yourself. Abir, good morning. Good morning, Abir. Good morning. Chai ready? Good morning, everyone. भाई आज मैं बहुत late हो गया था कल आते हुए. चलो चाय ले. हाँ जी और आपने देखा ही होगा जो भरत मिलाप हुआ था. तो कल रात को जो भरत मिलाप हुआ उसके बाद तो भैया ने छोड़ा ही नहीं अपने पापा को. मैं खुद भी बहुत थक गया था. मैं जर्नी इतनी लंबी है मैनचेस्टर से. आई थिंक अराउंड 4 hours. सीरियसली ट्रेन जर्नी. मैं भी उस दिन गई थी ना. 4 hours की जर्नी भाई. बट एनीवेज दैट्स माय जॉब. और भी क्या यू गोइंग फॉर नॉट अ 10 डे. नो. आज की तैयारी हो गई है. आर यू रेडी टू गो? यस वी आर. मैंने सारे गिफ्ट्स वगैरह खरीद लिए हैं. अब मैं उनको सबको रैप करूंगी और then we are going. और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता लगेगा या तो मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज से या फिर आपको पता लगेगा मेरे अगले व्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे हैं. आज मेरा भी शेड्यूल काफी हैवी है. चलो ठीक है. तो इसने फुटबॉल जाना है. फुटबॉल जाना है. इसने वायलिन कॉन्सर्ट जाना है. उसके बाद हमने कहीं जाना है. तो बस नाश्ते की तैयारी हो रही है क्योंकि इसके बाद हमें रेडी भी होना है और मुझे ये वाला व्लॉग भी एडिट करना है. तो बहुत सारी मम्स मुझसे क्वेश्चन बहुत पूछती हैं कि आप अबीर को नाश्ते में क्या देते हो या फिर लंच में क्या देते हो. थोड़ी सी टिप्स शेयर करो. ब्रेकफास्ट में अबीर मॉर्निंग में सीरियल्स तो खाता ही खाता है. अगर मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो मैं उसको बॉयल्ड एग दे देती हूँ, नहीं तो मैं उसको ब्रेड एंड एग दे देती हूँ. यू नो ब्रेड अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर और उसमें ब्रेड को डिप करके उसे हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ. तो फ्रेंच टोस्ट, आप उसको सेवरी फ्रेंच टोस्ट बोल सकते हैं. मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि आप लोग पूछते भी रहते हो. कई बार मैं मॉर्निंग में उसको एक आलू का परांठा भी खिला देती हूँ. यू नो तो जो भी जितना मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से हम चीज़ें कर देते हैं. तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं उसका करती रहती हूँ. लेकिन आज भैया ने कह दिया है, भैया मतलब अबीर, मैं उसको ऐसे प्यार से भैया बोलती हूँ, उसने आज कह दिया कि आज वो ब्रेड डिप करी हुई नहीं खाएगा, फ्रेंच टोस्ट नहीं खाएगा सेवरी वाला. तो मैं उसको सिर्फ ब्रेड को पैन पे रख के उसके ऊपर 2 अंडे तोड़ूंगी और बस वो दोनों साइड से अच्छी तरह से पका कर.
सूरी साहब कर रहे हैं बिन्स क्लीन। वैसे ही मेरा काम था। ठीक है यार, तुम दो दिन बाहर थे, डजंट मीन कि तुम्हें इतना काम करना है। गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और आप देख सकते हैं वेदर कि अभी का ब्रेकफास्ट रेडी है। जब मैं बना रही थी तो शायद प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, बट फाइनल प्रोडक्ट ये निकला है। अब मैं इसके साथ इसको सर्व करूंगी बेक बीन्स। तो यहाँ पर ना ये हाइंस के बेक बीन्स मिल जाते हैं, तो हम लोग इसको माइक्रोवेव में गर्म कर कर या फिर पैन में गर्म कर कर वी हैव इट इन आवर ब्रेकफास्ट। तो बड़ा क्विक एंड ईजी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। और बेक बीन्स आर वन ऑफ योर फाइव अ डे, तो अगर आप बेक बीन्स नहीं खाते हैं आई वुड से ट्राई इट आउट, आपको अच्छे लगेंगे और इट्स क्विक एंड ईजी। और कई बार मैं अबीर को सिर्फ ब्रेड एंड बीन्स भी दे देती हूँ। यू नो, ब्रेड को अच्छी तरह से गर्म करके उस पर बटर लगा कर ऊपर से मैं सारे बीन्स स्प्रेड करके दे देती हूँ, तो वो भी एक ब्रेकफास्ट हो जाता है। लेकिन आज उसको मैं ब्रेड और एग के साथ बेक बीन्स दूंगी। तो बेक बीन्स गर्म हो गए हैं और अब मैं इनको ऐसे एग और ब्रेड के ऊपर डाल दूंगी। और अभी सूरी के लिए रेडी है ब्रेकफास्ट। कम ऑन, स्टार्ट ईटिंग इट। अब खा लेना अभी अपने आप प्लीज।